बी वोकेशनल में हम एडमिशन लेते हैं, स्किल्ड प्रोग्राम है, हमें स्किल के बारे में बताया जाएगा जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे। तो क्या ये कोर्स वैलिड होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी तो क्या ये कोर्स वैलिड है? दोस्तों अक्सर ऐसे कई सारे कोर्सेज में आप एडमिशंस लेते हो जिन कोर्सेज के बारे में आप ठीक से नहीं जानते। ठीक से नहीं जानते का मतलब कि पूरी नॉलेज आपको नहीं है, और इसी मामले का फायदा उठाती है यूनिवर्सिटीज या फायदा उठाता है कोई भी वो व्यक्ति जो आपका एडमिशन करवा रहा है। बी वोकेशनल के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई, बहुत सारे सवाल थे लोगों के दिल में बी वोक को लेकर, बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछे। दोस्तों बी वोकेशनल कोर्स क्या बोलता है, 12वीं आप पास आउट हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, मतलब आपने 12वीं पास की है तो आप इसमें एडमिशन आसानी से ले लोगे, क्योंकि इसके लिए कोई सेपरेट कोई किसी तरह का एंट्रेंस तो होता है नहीं। 50-60% आपके मार्क्स है, 12th आपने कंप्लीट की है, आप जाकर बी वोकेशनल में एडमिशन ले लोगे, बी वोक में एडमिशन ले लोगे। दोस्तों ये कोर्स बनाया इसलिए गया था कि स्किल्ड जनरेशन बने आगे जाकर, स्किल्ड स्टूडेंट्स हों, मतलब कि स्किल के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि स्किल को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इन कोर्सेज पर कि आपको प्रैक्टिकली बताया जाए क्या क्या होता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आप तभी बनेंगे, पर आप बनेंगे तो तभी जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि ये कोर्स ये भी बोलता है कि 60% प्रैक्टिकल होना चाहिए और 40% ही इसके अंदर थ्योरी होगी। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग आप कर रहे हैं या फिर आप ले चुके हैं, ताकि और स्टूडेंट्स को पता चल सके, और साथ में ही फीस भी बताना किस कोर्स की कितनी फीस उस यूनिवर्सिटी ने मांगी, ताकि स्टूडेंट्स तक पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों पहुंच सके। दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब वीडियोस बनाते हैं तो एक ही वीडियो में सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते, बहुत घंटों की वो वीडियो बनेंगी, तो इसीलिए 5-5, 6-6 मिनट की, 10 मिनट की वीडियोस अलग अलग पार्ट में लेनी पड़ती हैं, और साथ में ही आपके सजेशंस भी आते हैं। आप पूछिए अपनी यूनिवर्सिटी से क्या आप मेरे ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स लेने का ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, और अगर है तो यूनिवर्सिटी से उसका लेटर मांग ले। यूनिवर्सिटी बेशक से आपको एडमिट कार्ड इशू कर रही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की तो ये भी चीज जानने को मिली मुझे कि यूनिवर्सिटीज एडमिट कार्ड इशू ही नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है आपके साथ में, मतलब कि ई एडमिट कार्ड दे दिया, वहां पर यूनिवर्सिटी की स्टैम्प तक नहीं है, साइन तक नहीं है, तो दोस्तों गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग, यूनिवर्सिटी गारंटर नहीं है आपकी, वो एडमिट कार्ड कहां से आपको मिल गया, प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कुलर आया हो, ऐसा हो सकता है कोई लेटर आया हो, वो हम तक नहीं पहुंचा, पर मैं आपको बता दूं ऐसा कोई सर्कुलर वैसे तो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आया नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछेंगे तो हो सकता है वो आपको इसका कुछ जवाब दे सके कि ऑनलाइन ये यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स करवा कैसे रही है, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। बी वोकेशनल में हम एडमिशन लेते हैं, स्किल्ड प्रोग्राम है, हमें स्किल के बारे में बताया जाएगा जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे। तो क्या ये कोर्स वैलिड होगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी तो क्या ये कोर्स वैलिड है, और क्या बी वॉक के लिए स्पेसिफिक कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आती भी है या नहीं? दोस्तों ऐसी कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं मेंशन है, आप पर पूछें, क्योंकि जो एक स्टूडेंट वहां पर BMLT कर रहा है, प्रैक्टिकली सब कुछ सीख रहा है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहा है, तो क्या ये कोर्स उसी की तरह बिल्कुल इक्विवेलेंट है? जिस तरह से BSc एग्रीकल्चर का एक स्टूडेंट ने कंप्लीट कोर्स तरीके से किया, आयकर उसका अप्रूवल देता है, तो क्या इन कोर्सेज को भी पूरी मान्यता का दर्जा मिला हुआ है? ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर पूछें, क्योंकि बी वोकेशनल बी वो कोर्स के आते ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने एक सिस्टम बना लिया पैसा कमाने का, और हजारों लाखों स्टूडेंट्स इसकी तरफ चल पड़े पूरी इंफॉर्मेशन बिना लिए, और बहुत सारे लोग बरगलाते हैं स्टूडेंट्स को, पूरी इंफॉर्मेशन देते भी नहीं है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन का होना आपका अधिकार है, क्वालिटी एजुकेशन लेना आपका अधिकार है, और ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों फीस देकर फीस की रसीद डिग्री के रूप में ले लेना किसी काम की नहीं है दोस्तों, डोंट बी क्वालिफाइड बी एजुकेटेड। दोस्तों बी वो कोर्स के रिगार्डिंग आप और क्या जानना चाहते हैं, या क्या आप जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, बताएं नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए बी वोक के बारे में, और साथ में दोस्तों ये जरूर बताएं कि आपने किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है बी वोक में, या फिर किस यूनिवर्सिटी से बी वोक में एडमिशन लेने की आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है हम आपको कुछ बातें बता सकें उस यूनिवर्सिटी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए करा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।